सो फ्रेंड्स, ये है नज़ारा मॉर्निंग का और हम लोग आए हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने। गांव में जॉब करने का यही एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपको नज़ारे अच्छे मिलेंगे, बस यही अच्छा मिलता है, खाना अच्छा नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी साइंस की क्लास है, तो जैसे बच्चे मुझे झेलते हैं आप भी मुझे झेल लेना। तो थोड़ी सी फुटेज उसकी भी इंक्लूडेड है, मैं कैसे जीतू भैया भी बनना चाहती थी बोलते हैं, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तो बनना तो चाह रही थी मैं जीतू भैया जैसे, बट हो नहीं पाया, सरकारी स्कूल के टीचरों से हो नहीं पाता। नहीं है बेटा क्वेश्चन किसी के पास है? का दीवार से पीछे वालों के पास सोचिए, और कितने पीछे होगा होंगे। एक बार क्वेश्चन निकालो, वो मुर्रा भैंस वाला, सॉरी वो जो भैंस है आपकी हाइब्रिड भैंस, बस एक थोड़ा सा वो चैप्टर ना थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा वो क्वेश्चन के लिए असाइनमेंट आपको जमा करना है ना। ऐसा नहीं करना है कि असाइनमेंट आपको जमा नहीं हुआ, असाइनमेंट जमा करना है, लेकिन वो वाला चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं। और वो किस चैप्टर से बेटा? अनुवांशिकी मेंडल वाला, कल बताया था मैंने आपको, उसमें क्वेश्चन देखिए। सबके पास है प्रश्न? सबके पास है प्रश्न, मेरे ही पास नहीं। कि मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? तो बेटा एक साल में मटर का पौधा क्या था, कंप्लीट हो जाता था। कोई चीज बहुत, जैसे आम का पेड़ लगाना है ना, तो आम तो कई सालों बाद फलता है, तो आपके जीवन काल से आप रिसर्च करना चालू करोगे, तो जब मर जाओगे उसके बाद आखिरी जब बिस्तर पे जब लेटे रहोगे उसके, उस समय आप शायद कंप्लीट करोगे, रे हो गया आम फल गया क्या, आओ बच्चों आओ देखो, इसी पे रिसर्च कर रहा था मैं। तो बेटा ऐसा पौधा नहीं चाहिए था उनको। और आई होप कि आप लोग किताब पढ़ने के लिए रेडी हो। ये जो आपको मोटी सी किताब मिली है, क्यों सोचता है, बहुत मोटी किताब मिली जो तुम लाई हो, तो ये जो बहुत मोटी सी बुक मिली है आपको, इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए मिली है। इसमें आपको दिया हुआ है कि मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया था मेंडल ने, ये अभी लिख लो है, चैन से इज्जत से लिख लेना आंसर, उत्तर असाइनमेंट का क्योंकि जमा करना है, लेकिन उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो बेटा यहाँ पे एक और है, गाय की प्रजाति जेवा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। नाम भी गाय का जेवा है, वाह इतना अच्छा नाम तो लड़कियों का नहीं होता। एक और प्रजाति जो है साल भर में 20,000 लीटर दूध देती है, अत्यधिक देती है यार 20,000 लीटर। ये गाय पाला करो तुम लोग, क्या तुम लोग फालतू गाय पाल के रखते हो, एक लीटर की ढंग से नहीं देती है ये। यही गाय पालो साहीवाल, ये बहुत बेटा बिल्कुल साहीवाल, ये जो गाय है ये बहुत सही गाय है, 20,000 लीटर साल भर में दे देती है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ऐसा कौन फेंकता है, अरे स्लोमो उसमें एक बाद में बना लेंगे ना। ये पत्थर भी अच्छे चेयर जैसे।